स्मोक से रिलेटेड जो हमने कार बाइक पकड़ी है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें ना, ये क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसकी? इंजन खराब है तो इनको चाहिए था या ठीक करें इसको, ठीक करवाएं इसको। ये स्मोक कमिटिंग व्हीकल्स के हवाले से आपने मैक्सिमम कार्रवाई करनी है। मैक्सिमम जो सी हैं ऐसी व्हीकल जिनका के स्मोक कमिट हो रहा है, जो पोल्यूट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उनके खिलाफ कार्रवाई उनमें लाई जा सके। नाजिन, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, आइए देखते हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है। स्मोक की वजह से आजकल फिजा काफ़ी मुतासर हो रही है, इस हवाले से पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी क्या किरदार निभा रही है? पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का बड़ा वाइटल रोल है इस जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई के अंदर, क्योंकि आप देखें कि 1700 हमारी साइट्स हैं जहां पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं। 1700 साइट्स मीन 1700 साइट्स के ऊपर से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं, अगर उनके अंदर से स्मोक एमिट हो रहा है तो उनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जितने भी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं ये 24/7 उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके अंदर ऐसी गाड़ी जिसके अंदर से अगर गैर ज़रूरी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, स्मोक एमिट हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इमेजेस उनके लिए जाते हैं ताकि उनको एक प्रूफ के साथ आगे ई चलानिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाए ताकि उनके खिलाफ ई चलान इशू किए जाए। इसका क्या नंबर है जी? इसका नंबर बताएं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? ऑफिसर, नाजरीन को ये बताइए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? सबसे पहले तो हम अपने कैमरास के थ्रू, और सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, हम उसके थ्रू हम चेक करते हैं। जैसे भी हमें जैसे हमें व्हीकल मिलती है, हम अपने ट्रैफिक वार्डन जो हमारी टीम बनी हुई है, हम उन्हें कॉल करते हैं, उनको व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन देते हैं, वो उस व्हीकल को गार्ड करते हैं, उसके खिलाफ जो ट्रैफिक के एक्ट के तहत ना उसके कार्रवाई करते हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है? बेसिकली इसमें इसको हम लगाते हैं 14 नंबर कोड के तहत कार्रवाई होती है। इसमें अगर बाइकों को कंसीडर किया जाए तो 200 का चलान होता है, कार जो भी है उसमें 300 का चलान है, और जो कमर्शियल गाड़ी इसमें 500 का चलान होता है। अगर किसी गाड़ी का इंजन ख़राब है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाती है? कोई गाड़ी का इंजन ख़राब है या कोई और इशू है तो वो मेडिकल गाड़ी अनफिट होती है, उसका भी चलान किया जाता है। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है, अगर वो किसी ड्राइवर के पास नहीं है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।